भाई बिग बॉस के घर में फूट फूट कर रो रहे हैं साई के तन। भले ही कंटेस्टेंट की एंट्री परसों हुई हो, लेकिन कल से लाइव फिट शुरू हुआ है। और लाइव फिट शुरू होते ही सबसे पहले सुबह सुबह हमें सना मकबूल और साई केतन के बीच में जोरदार धमासान देखने मिला राशन पानी को लेके। उसके बाद जो है साई हमें खूब फूट फूट कर रोते नजर आए। दरअसल होता यह है कि साई दीपक चौरसिया के पास जाते हैं और वहां अपने पास्ट के बारे में बताते हैं कि साई जिस बैकग्राउंड से आए हैं उनका कोई भी गॉडफादर नहीं था, इस बैकग्राउंड में साई का कोई भी नहीं था, किस तरह से उन्होंने यहाँ तक का सफर तय किया, उनके लिए यहाँ तक आना कितना डिफिकल्ट था, किस तरह से जब वो फर्स्ट टाइम उन्हें उनका पे बैक मिला था वो सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज का था। उसके बाद उन्होंने एक साउथ के फिल्म में किसी हीरो के भाई का रोल किया, फिर उन्होंने सीरियल के लिए ऑडिशन दिया और जब सीरियल में सिलेक्शन हुआ तब उनका खुशी का ठिकाना नहीं था। तो वो कहते हैं कि उनका कोई भी मतलब पीछे जो है स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं था, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। मतलब सना की बातें साई को इतनी चुभ गई कि वो अपना पास्ट की बातें याद करके वो काफ़ी भावुक होते और फूट फूट कर लाइव फीड में रोते नजर आए। दरअसल जब साई केतन की कल एंट्री हुई थी, एंट्री के वक्त भी साई अपने पुराने कुछ बात को लेके काफ़ी इमोशनल हो गए थे और साई को देख के अनिल कपूर खुद भी रो पड़े थे। तो साई को रोता देखकर उनका जो फैंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा उदास और भावुक है। हालांकि फैंस को उदास होने की ज़रूरत नहीं है, फैंस को बस इतना करना है कि कंटेस्टेंट उनके जितने भी चाहते कंटेस्टेंट है वो अंदर है और वो बाहर से उन्हें सपोर्ट दिखाते रहे, ना कि आप अपने चाहते कंटेस्टेंट को रोता देखकर आप भी मायूस हो जाएंगे। वेल, साई केतन को रोता देखकर आपका क्या रिएक्शन है आप भी कॉमेंट में ज़रूर बताएँ और भी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गपशप्तों को।